योग सरलतम सूक्ष्मतम और विशालतम सूक्ष्म कहते हैं जो सटिल हो जिसको मैं से ना देख सके विशालतम का भी है हमें ग्रॉस जिसको हम परसीव कर सके ऐसा विज्ञान है जो पूर्ण शिक्षा है अगर सरलतम है तो ये फैलता क्यों नहीं लोग कर क्यों नहीं पाते हैं इसके पीछे अनेक प्रकार के कारण हैं क्योंकि इस तरह से बना है दुनिया किसमें जब बहुत असीम भक्ति होगी तभी इसको कर पाएंगे असीम भक्ति किसको कहते हैं भक्ति कहते एकाग्रता एक किसी भी वस्तु में एकाग्र होइए और उसी को सब कुछ मान लीजिए और एकाग्रता एक बढ़ाते जाइए तो उसको असीम भक्ति कहते हैं भक्ति का अर्थ जैसे योग में असीम भक्ति का अर्थ क्या हुआ हम क्रियायोग को सब कुछ मान लें उसमें एकाग्रता एक बढ़ाते ये एकाग्रता बढ़ाने का नियम क्या है प्रैक्टिस करके पढ़ करके सुन करके बहुत एकाग्र एक नहीं हो पाएंगे आंशिक एकाग्रता होगी है तो युग कथा मृत होली साइंस परमन शोगा ने लेसन्स भी लिखे हैं एक सौ अस्सी जो एसारफ और वाइस सप्लाई करता है सब पढ़ते तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है क्योंकि क्रियायुग में भक्ति नहीं है क्रियायुग में भक्ति क्या है ये भी नहीं समझते हैं भक्ति का सिर्फ एक अर्थ होता है हम किसी चीज़ में एकाग्र हों और जिस चीज़ में एकाग्र हों उसी को सब कुछ मान लें ऐसे गुरु में भक्ति होती है माता पिता में भक्ति होती है किसी में भक्ति होती हम हनुमान तो जी में भक्ति अगर करते हैं कहते हनुमान जी के भक्त हैं हमको कोई नहीं मिला आज तक जो हनुमान जी का भक्त हो रामकृष्ण परम मिले जो काली के भक्त थे हनुमान जी के भक्त कोई मिला नहीं अगर मिलेगा कोई तो हनुमान जी को स्वीकार करे सब कुछ यही यह है हमारे ये ब्रह्मा विष्णु शिव हैं यही माता पिता हैं यही भाई बंधु हैं ये हमारे सब कुछ है शक्ति है, ज्ञान है शांति है आनंद है तो कहाँ भक्ति आती है किसको भक्ति अगर बत्ती सुगाना नहीं होता है फूल चढ़ाना नहीं होता है भक्ति का सिर्फ एक अर्थ है आप जिसमें काग्र होइए उस वस्तु को सब कुछ मानिए क्रियायुग में भक्ति क्या है इतना देव विश्वास रखिए क्रियायुग से जुड़ते जाएंगे और क्रियायुग को सब कुछ मान लीजिए गरीबी है तो इससे दूर हो जाएगी जितने प्रकार की दिक्कतें हैं सब दूर होगी लेकिन दिक्कतों का समापन नहीं हो सकता है क्योंकि पाताल लोग दिक्कतों का ही बना है पाताल लोग दृश्य जगत को कहते हैं इसे पाताल लोग कहते हैं ऐसा क्षेत्र जहाँ पर द्वंद हो एटम पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता नहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव होता नहीं है हमारे खोजने का ऐसे तरीका है कि ऐसे दिखाई पड़ता है वो जैसे पंखा चलता है प्रकाश जलाइए थोड़ी देर बाद लगे पंखा उल्टा चल रहा है उल्टा चलता नहीं ऐसे लगता है तो जो दृश्य जगत है जिसको आप देखते हैं सुनते हैं जिसका वजन अनुभव होता है लंबाई चौड़ाई अनुभव होता है वो मायावी जगत है वहां पर सही समझना बहुत ही कठिन है भक्ति से सही समझ सकते हैं ताप यहाँ क्रिया का अनुसंधान संस्थान में है तो एक अनुसंधान करिए क्रिया में भक्ति से होता क्या है क्रिया को सब कुछ मान लीजिए अब क्रिया सब कुछ मान लेते हैं एक तेस्वगिरी को पहचानते ही नहीं यहाँ से होली साइंस है जो हम पढ़ा रहे हैं लाड़ी महाशय को नहीं पहचानते हैं दिल के शिष्य सम एकतीसगरी महातार बाबा के बारे में वही जानिए जो योगी कथा में इसमें लिखा है और अनेक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें तोड़ मरोड़ करके लिखा गया है तो जहाँ से क्रियायुग निकला है इनके अस्तित्व को नहीं मानेंगे क्रियायोग आएगा नहीं इनके अस्तित्व को मानते हुए इनके बारे में विधिवत युगा कथावित्व पढ़ते हुए पूरी घटनाओं को याद रखते हुए फिर आप क्रियायुग में भक्ति बढ़ाइए क्रियायोग हमसे भी तो आ रहा है हम ही आपको इंट्रोड्यूस करें महतार बाबा कौन है लाड़ी से कौन है श्वर कौन है परमन शोगानंद कौन है कितनी बार हम बताए कल भी बताए थे और हम और हमसे किसी प्रकार कॉन्फ्लिक्ट है तो कभी नहीं आएगा नोट कर लीजिए क्योंकि इस पृथ्वी जगत पर निर्णय क्या लेकतेश्वरगिरी पूरे जिंदगी निर्णय लिए उनके पास से ठहरे नहीं यहाँ पे सच की शिक्षा होती वहां भीड़ नहीं होती लाखों की भीड़ है जैसे कथा में होती है कथा हो रही है हजारों की भीड़ है ताली बज रही है कथा चल रही है तो वहाँ सत्य नहीं है इक्ति सगरी के पास सत्य था वहाँ कितने लोग बैठ पाते थे लाड़ी महाशय के पास कितने लोग बैठते थे रामकृष्ण परमा के साथ मुश्र से चालीस पचास लोग थे इस तरह से याद रखिए लेकिन रक्षा सत्य से ही होगी लाड़ी महाशय ने कहा क्रिया ही सत्य है सत्य ही भगवान है क्रियाओं को भगवान रूप मानिए भगवान क्या है जिसके अंदर ज्ञान हो शक्ति हो शांति हो आनंद हो अमरता हो अतीत वर्तमान भविष्य हो जिसको भगवान हम कह रहे हैं निराकार परब वहीं से सारे पैगंबर आए हैं सारे अवतार आए हैं पूरा दृश्य जगत आया है तो क्रिया में भक्ति बढ़ाइए अभ्यास करके बढ़ाइए कैसे भक्ति बढ़ाए इसके शब्दों में आइए क्रिया का मतलब क्या है ये क्रिधात से बना है का मतलब क्या है करना किस चीज से होगा कोई काम होता है किस चीज से काम हो रहा है कहां पर काम हो रहा है पहला काम सिर से पैर कलोमीटर तक इसमें जो हो रहा है इसमें आप एकाग्र हो इससे क्या करिए जुड़िए इतना जुड़िए दूरी शून्य हो दूरी शून्य कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि जुड़ते है, कहते थकावट है आज ह्यूमिडिटी अधिक है आज मौसम ठीक नहीं है चिपचिप -चिप कर रहा है पसीना नहीं सूख रहा है या मौसम बहुत सूखा है पानी बरस जाता तो ठीक लगता या बहुत अधिक जाड़ा है बहुत अधिक गर्मी है ये सब कहते नहीं हैं हम लोग तो सिर से पैर के उंगली तक इसमें क्रियाएँ कितनी तरह की क्रिया हो रही है जैव स्वरूप हवा से स्पर्श करता है आसमान से प्रकाश से गर्मी से सर्दी से इसमें स्पर्श होता है जब खाना पीना खाते हैं आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं तो इसमें जितनी क्रियाएं हो रही हैं उससे इतना उसी को भगवान मान लीजिए और उससे इतना जुड़िए कि दूरी शून्य हो जाए इसी में लगे रहिए अब चल रहे हैं चलने का लक्ष्य क्या है क्रिया योग होना चाहिए कैसे क्योंकि हर कदम चलने पर अनगिनत क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं से जुड़ना है तो जो हम सोचते हैं कि यहाँ से वहाँ जाना है कितनी जल्दी चल के पहुँच जाए उससे ज्ञान नहीं मिलने वाला है हर कदम पर सिर से पैर की उंगली तक एकाग्रता बढ़ाइए फिर आप चलिए उठिए बैठिए काम करिए फिर कहेंगे अरे मैं तो ऐसे कर रहा था हमें चार मील जाना था वो पहले पहुँच गया हम सिर से पैर की उंगली तक इसमें होने वाली क्रिया में एकाग्रता ही बढ़ाते रहे अभी तो हम एक ही किलोमीटर पहुँचे हैं वो लोग तो न जाने कब के पहुँच गए फिर टेंशन होगा हमको हम उनसे अपनी तुलना करेंगे क्रिया योग करने वाले तुलना नहीं करते हैं अगर अपने से किसी की तुलना किए वो आगे या पीछे तो आप क्रिया योग नहीं कर पाएंगे आप सुंदर हैं कि वो सुंदर है कि आप कुरूप है कि वो कुरूप है तुलना की क्रिया योग नहीं आएगा पूरा पाता लोग ही तुलना का बना हुआ है हर आदमी तुलना ही करता है आंखों से काम से नाक से चुंघेगा तो स्वाद लेगा तब इससे ध्यान से सोचिए क्रियायुग में भक्ति बढ़ाइए क्रियायुग में भक्ति बढ़ाते चले जाइए आपका ये जीवन पूरा धन्य हो जाएगा और याद रखिए क्रियायुग जहां से भी आया है उनसे किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रियायुग नहीं आएगा आपको नोट कर लीजिए तभी परमुष योगानंद लिखते हैं कविता भक्त आवे भक्त जन जावे लेकिन हरि में तेरा हमेशा हरि का मतलब वहां क्रिया योग है क्रियक्ष मिला हुआ ज्ञान है स्वामी स्वीकार हम स्वाम लोग आते जाते थे इतना बड़ा ज्ञान होता और उनके यहाँ शिष्य क्यों चले जाते थे क्यों लोग आते और जाते थे लोग उल्टा के वहां से सासार्थ करते थे डिस्कशन करते थे लेकिन टिका कौन ब्रह्मण से होगा एक भी टिक जाए बहुत है गांधी जी के पास गांधी जी को एक भी व्यक्ति समझने वाला नहीं मिला एक मिले गांधी जी को समझते थे परम हंस योगानंद और कोई नहीं समझा उनको पूरे जीवन में लाड़ी महाशय एक तेस्वगिरी समझे कुछ और शिष्य लोग समझे एकतेश्वगिरी को जो ठीक ठीक से समझे परमहनुष योगानंद समझे परम हन योगानंद को सब समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझा कोई नहीं अभी तक इससे आप सब से निवेदन कर रहे हैं क्रिया योग क्या है समझिए ये क्रिया है हर प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं पैर में हाथ में पीठ पेट सीना में सिर चेहरा गले में जितनी क्रियाएं हो रही हैं आप उसमें एकाग्रता बढ़ाइए उसमें भक्ति लाइए भक्ति, भक्ति क्या है इन्हीं क्रियाओं को मान लीजिए सब कुछ इसी महातार बाबा हैं।, हैं इसी में लाढ़ी महाशय हैं इसी में स्वामी हैं इसी में परमंड योगानंद मिलेंगे राम और कृष्ण मिलेंगे ईशा और बुद्धा मिलेंगे आप करके तो देखिए न मिले तो कही किया है नहीं इनकार दीजिए आप वो लोग इतने कमजोर हैं कि यहाँ नहीं है हवा यहाँ रह सकती है आसमान यहाँ रह सकता है यहाँ महावतार बाबा नहीं है वो हिमालय में ही मिलेंगे राम और कृष्ण वहीं मिलेंगे अभी है नहीं जन्म नहीं लिए हैं इस भ्रम से अपने को हटा लीजिए जो परम ज्ञान को प्राप्त हो गया है हर समय हर क्षण रहता है वो उसके परमात्मा के बीच दूरी शून्य है मत सोचिए कि यहाँ पर महातार बाबा नहीं है या लहड़ी से नहीं है सब परम ज्ञान को प्राप्त है और जो आप सोचते हैं जो आप देखते हैं जो करते हैं सब जानते हैं और उसी के अनुरूप आपको इस मार्ग पर बैठने की अनुमति देते हैं अगर उस अनुसार नहीं चलेंगे तो से अपने आप ही चले जाएंगे यहाँ रुक नहीं पाएंगे आप यहाँ रुक पाएंगे तभी जब इस सिद्धांत को पकड़िए जितनी क्रियाएं हो रही हैं उसी को मान लीजिए सब कुछ है वह ब्रह्मा विष्णु उसी उसी में है हनुमान जी राम और कृष्ण उसी में है ईसा और बुद्धा उसी में है महा बाबा लड़ी से सब उसी में है तो आप अभ्यास करके देखिए तो आपने देखा नहीं हम कैसे मान ले अरे पहले देखिए तो इस तरीके से आज से फिर से आप आज से ये प्रयोग शुरू करिए कि आप लेटे बैठे हो खड़े हो चल रहे हो काम कर रहे हो हर समय सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता एक बढ़ाते जाइए अनुभव करते जाइए जब इसमें अनुभव करते जाएंगे एकाग्रता बढ़ाते जाएंगे और इसी भक्ति के साथ के सब कुछ यही है फिर सारा जीवन का सही गलत क्या है पता चलेगा और गारंटी के साथ आप इसमें रहिए कोई आपका हित नहीं कर पाएगा कोई अभाव नहीं होगा आपको जितनी आवश्यकताएँ हैं जीवन की जिनको पाने से जिनका पाना अनिवार्य है और हमें अनंत की ओर जाना है हमें अनंत ज्ञान शक्ति से मिलना है अतीत वर्तमान भविष्य से मिलना है वो सारी चीज़ें आपके पास अपने आप आएंगी आपको सुविधाओं के पीछे नहीं भागना है कार मिलने से बंगला मिलने से हम असीमता की ओर नहीं जा पाएंगे क्रियाइयों पकड़िए इसमें एक बढ़ाइए तो जिस चीज जरूरत होगी साइकिल या मोटरसाइकिल या कार या हेलीकॉप्टर या कुछ नहीं जरूरत है हम बिना मतलब पर रखेंगे तो नहीं मिलेगा वो अनावश्यक रखे तो चोरी हो जाएगा इस तरीके से तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस पर आप ध्यान दीजिए जो हम कह रहे हैं आज से फिर से क्रियायोग समझिए सिर से पैर के उंगली तक जितनी क्रियाएं हो रही हैं यही सब कुछ है लेट करके वही अनुभव करते हैं बैठते हैं तब वही अनुभव होता है खड़े हैं चल रहे हैं काम कर रहे हैं आराम कर रहे हैं खाना खा रहे हैं गंद की अनुभूति देख रहे हैं सुन रहे हैं सोच रहे हैं विचार रहे हैं तर्क वितर्क कर रहे हैं हर क्रिया के समय सिर से पैर की उंगली तक इसमें परिवर्तन होता है एक विचार लाते हैं इसमें सिर से पैर के उंगली तक हर जगह परिवर्तन होता है जैसे एक एस है ये इसमें एक ऑक्सीजन आता है इसका सुर बदल देता है हाइड्रोजन पर हो जाता है ऐसे एक विचार को आप पकड़ेंगे वो विचार आते ही सिर से पैर क्यों तक पूरा बदल जाता है तो एक ही विचार लाइए क्रिया योग सब कुछ है लाड़ी महाशय ने कहा है क्रियायोग का अभ्यास वेद पाठ है क्रियायोग ही सत्य की अनुभूति है क्रियायोग ही परब्रम्ह का रूप है हर समस्या का समाधान क्रियायोग से करिए इस तरह से आप आगे बढ़िए अभी हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे